प्यारे बच्चों, आपको पता ही है आज हम अपना अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाने वाले। अब अपठित गद्यांश आपने पहले नहीं पढ़ा होता है तो आज हम इसे कैसे करते हैं और किस तरह इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं वो आज हम आपको समझाएंगे। अपठित गद्यांश, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपने इसे पहले नहीं पढ़ा है, तो इसको कैसे किया जाता है? पहले गद्यांश को, जो गद्यांश दिया होता है उसे कम से कम दो बार पढ़ा जाता है, पढ़कर समझने का की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो दिए गए प्रश्नों के उत्तर होते हैं वे हम करते हैं। लेकिन अगर आपको दो बार पढ़ने के बाद भी नहीं समझ आता तो आप तीसरी बार भी पढ़ सकते हैं और बिना पढ़े प्रश्नों को पढ़कर फिर उत्तर ढूंढना ये गलत बात है। तो सही तरीका है कि सबसे पहले आप इसे कम से कम दो तीन बार पढ़ें और फिर उसके उत्तर लिखें। तो शुरुआत करते हैं हम अपने गद्यांश से। तो ये गद्यांश हम लिखवा रहे हैं, आप भी इसे नोट करिए। ये हमारा पहला अपठित गद्यांश है। शुरुआत करते हैं। हरिया एक, हरिया एक, गडरिया था। हरिया एक, गडरिया था। उसका बेटा रामू जंगल में, रामू जंगल में भेड़े चराने जाता था। भेड़े चराने जाता था। चराने जाता था। एक दिन राम, एक दिन रामू एक पेड़ के नीचे बैठा। नीचे बैठा खाना खा रहा था। खाना खा रहा था। उसी समय उसी समय एक भेड़ के चिल्लाने की आवाज है। चिल्लाने की आवाज है। आई
चिल्लाने लगा। चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। भेड़िया आ गया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर, उसकी आवाज सुनकर उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग, गांव के लोग उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग लाठियां लेकर, लाठियां लेकर लेकर रामू की मदद, रामू की मदद को दौड़े, को दौड़े, पर वहां कुछ नहीं था, पर वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने सोचा, गांव के लोगों ने, लोगों ने गांव के लोगों ने सोचा, गांव के लोगों ने सोचा, भेड़िया भाग गया, भेड़िया भाग गया होगा, उस दिन, उस दिन रामू को बहुत मजा आया, उस दिन रामू को बहुत मजा आया। दो दिन बाद, दो दिन बाद दो दिन के बाद दो दिन के बाद रामू फिर, रामू फिर वैसे ही मजाक, वैसे ही
ही मजाक, मजाक नहीं, मजाक नहीं। चिल्लाने लगा, मजाक में चिल्लाने लगा। उस दिन हम मिटा देते हैं यीशु। चिल्लाने लगा उस दिन भी, गांव उस दिन भी गांव वाले उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, रक्षा के लिए आए, पर भेड़िया नहीं था, के लिए आए पर भेड़िया नहीं था। पर भेड़िया नहीं था। पूर्ण विराम, वे लौट गए, वे लौट गए, वे लौट गए। पूर्ण विराम, एक दिन, एक दिन सचमुच ही एक भेड़िया आ गया, एक दिन सचमुच ही एक भेड़िया, एक भेड़िया आ गया। आ गया उस दिन रामू के चिल्लाने पर, उस दिन रामू के चिल्लाने पर भी, रामू के चिल्लाने पर भी चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। भेड़िया एक भेड़, भेड़िया एक भेड़ भेड़िया एक भेड़ मुंह में दबाकर, इसे मिटा देते हैं, भेड़िया एक भेड़ मुंह में दबाकर
जंगल की ओर, जंगल की ओर भाग गया, भाग गया। तब रामू को पता चला, तब रामू को पता चला झूठ बोलने का नतीजा, झूठ बोलने का नतीजा, झूठ बोलने का नतीजा। तभी से उसने कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली। तभी से उसने कभी झूठ न बोलने की, झूठ न बोलने की कसम खा ली। तो ये था हमारा गद्यांश। हमारा गद्यांश कम से कम हमें दो बार पढ़ना चाहिए, उसके बाद दिए गए प्रश्नों के हल करने चाहिए। तो मैं दो बार इस गद्यांश को पढ़ देता हूँ, आप भी ध्यान से इसे सुनिएगा। आपने इसे नोट भी कर लिया हो तो उसके बाद ही हम अपने प्रश्नों को करेंगे। हरिया एक गडरिया था, उसका बेटा रामू जंगल में भेड़े चराने जाता था। एक दिन रामू एक पेड़ के नीचे बैठा खाना खा रहा था, उसी समय एक भेड़ के चिल्लाने की आवाज आई। रामू भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग लाठियां लेकर रामू की मदद को दौड़े, पर वहां कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने सोचा भेड़िया भाग गया होगा। उस दिन रामू को बहुत मजा आया। दो दिन बाद रामू फिर वैसे ही मजाक में चिल्लाने लगा। उस दिन भी गांव वाले उसकी रक्षा के लिए आए, पर भेड़िया नहीं था, वे लौट गए। एक दिन सचमुच ही एक भेड़िया आ गया। उस दिन रामू के चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया। भेड़िया एक भेड़ मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गया। तब रामू को पता चला झूठ बोलने का नतीजा। तभी से उसने कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली। तो ये थे हमारा गद्यांश, एक कहानी ही की तरह है। तो मैं इसको एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। हरिया एक गडरिया था, उसका बेटा रामू जंगल में भेड़े चराने जाता था। एक दिन रामू एक पेड़ के नीचे बैठा खाना खा रहा था, उसी समय एक भेड़ के चिल्लाने की आवाज़ आई। रामू भी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग लाठियां लेकर रामू की मदद को दौड़े, पर वहां कुछ नहीं था। गांव के लोगों ने सोचा भेड़िया भाग गया होगा। उस दिन रामू को बहुत मज़ा आया। दो दिन बाद रामू फिर
वैसे ही मजाक में चिल्लाने लगा। उस दिन भी गांव वाले उसकी रक्षा के लिए आए, पर भेड़िया नहीं था, वे लौट गए। एक दिन सचमुच ही एक भेड़िया आ गया। उस दिन रामू के चिल्लाने पर भी कोई नहीं आया। भेड़िया एक भेड़ मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गया। तब रामू को पता चला झूठ बोलने का नतीजा। तभी से उसने कभी झूठ न बोलने की कसम खा ली। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है हमारा, हरिया के बेटे का क्या नाम था? हरिया के बेटे का क्या नाम था? क्या नाम था? उत्तर लिखेंगे। हरिया के बेटे का नाम हरिया। कुछ बच्चे एक शब्द में उत्तर लिखते हैं तो वो हमें नहीं लिखना, हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कुछ बच्चे सीधा रामू लिख देते हैं, हमें पूरे वाक्य में लिखना है। हरिया के बेटे का नाम रामू था। पूर्ण विराम। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, भेड़िया न देखकर गांव वालों ने क्या सोचा? भेड़िया न देखकर भेड़िया न देखकर गांव वालों ने क्या सोचा? भेड़िया न देखकर गांव वालों ने क्या सोचा? भेड़िया न देखकर गांव वालों ने सोचा गांव वालों ने सोचा कि भेड़िया भाग गया होगा कि भेड़िया भाग गया होगा। भेड़िया भाग गया
होगा। तीसरा प्रश्न करते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न, भेड़िया भेड़िया मुंह में दबाकर क्या भागा? भेड़िया मुंह में क्या दबाकर भेड़िया मुंह में क्या दबाकर दबाकर जंगल की ओर भागा? जंगल की ओर भागा। इसका उत्तर है, भेड़िया मुंह में, भेड़िया मुंह में एक भेड़ दबाकर, एक भेड़ दबाकर जंगल की ओर भागा। हमारा चौथा प्रश्न है, एक बार और उसके भी कर लेते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है, क्या कसम खाई? रामू ने क्या कसम खाई थी? तो हमें इसमें पता चला रामू ने झूठ न बोलने की कसम खाई थी, लेकिन रामू ने रामू ने झूठ न बोलने की कसम खाई थी। एक और है हमारा पांचवा प्रश्न, कभी कभी व्याकरण संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। भेड़ का जैसे इसमें पूछा जा सकता है, अगला है अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है रामू को, रामू को क्यों मजा आया
रावण को झूठ बोलने पर मजा आया। इस तरह भी हो सकता है प्रश्न, रामू को झूठ बोलने पर मजा आया। उड़ गया। तो इसी तरह हम अभ्यास करते रहेंगे। ये हमारा पहला अपठित गद्यांश था, शेष हम कल करेंगे।